अस्सलाम वालेकुम दुनिया वालों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त कोडर खान। और अगर आप भी एज अ स्टूडेंट, फ्रीलांसर या टेक एंथुसियास्ट सोच सोच कर परेशान है कि अपनी सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी चूज की जाए, तो बिल्कुल भी परेशानी की कोई बात नहीं है। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपकी सारी परेशानियाँ और सारी टेंशन इंशाल्लाह ज़रूर दूर हो जाएंगी। लेकिन हाँ, रुकिए, ज़रा सब्र कीजिए, जाकर इस वीडियो को लाजमी थम्स अप दीजिए फॉर द एल्गोरिथम और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस की आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। चले चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, बहुत सारे लोग जो कि कंप्यूटर साइंस के शौकीन हैं, कंप्यूटर साइंस में आना चाहते हैं, ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस में आए हुए हैं, इस सवाल को लेकर बहुत परेशान होते हैं कि यार पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी चूज़ की जाए। क्योंकि लिटरली इसमें कोई डाउट नहीं कि देर आर टन्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आउट देयर, और आप एक दफ़ा लैंग्वेज के नाम पढ़कर या उनकी लिस्ट देखकर परेशान और बौखला सकते हैं, क्योंकि सच मानिए बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। और मी एज अ कंप्यूटर एंथुसियास्ट, मैं आपको सच बताऊं तो जब मैं भी आपकी जगह था या आपकी जगह अभी होता तो एक दफ़ा तो लाजमी शदीद वाला परेशान हो जाता। तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं, अगर आप देखकर परेशान हैं इस वीडियो के बाद आपको ये सारी क्लैरिफिकेशन ज़रूर मिलेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, तब जब भी ये सवाल मुझसे इन द रियल लाइफ पूछा जाता है कि यार सबर भाई कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करें, समझ नहीं आ रही है, तो मैं हमेशा सवाल पूछने वाले से काउंटर क्वेश्चन करता हूँ और उनसे ये पूछता हूँ कि पहले आप मुझे ये बताएं कि आप प्रोग्रामिंग क्यों सीखना चाहते हैं, और वंस दे कैन आंसर दिस क्वेश्चन इन अ क्लियर वे, उसके बाद मुझे लगता है कि थिंग्स आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, देन इट्स प्रीटी इजी फॉर मी टू टेल देम कि उनको कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी चाहिए। क्योंकि हर लैंग्वेज बनने का कोई ना कोई मकसद है और हर मकसद को पूरा करने के लिए डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस बनी हुई हैं। तो जब तक आपको लैंग्वेज सीखने का मकसद नहीं पता होगा, तब तक आपके लिए चूज़ करना एक मुश्किल चीज़ है कि कौन सी लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए। तो इस वीडियो के खातिर मैं अपने व्यूअर्स को तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करूँगा और मैं उन्हीं मेजर कैटेगरीज़ के लिए हाथ से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सजेस्ट करूँगा। और मुझे लगता है कि यही तीन तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं जो एक नई लैंग्वेज या अपनी पहली लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं स्टूडेंट्स। ये वो लोग हैं जो कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन ले चुके हैं और डेफिनेटली कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनको यूनिवर्सिटी पढ़ा ही रही है, लेकिन उनको फिर भी समझ नहीं आ रहा कि इज़ दिस द बेस्ट फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर देम, और क्या इससे उनको सब कुछ सीखने को मिलेगा या नहीं। अब इसमें दूसरी तरह के लोग हो सकते हैं फ्रीलांसर्स, और ये वो लोग हैं जो जनरली शायद नॉन टेक हैं या जिन्होंने कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं देखी और वो क्योंकि फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं और कोडिंग करके कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हैं, तो वो लोग कौन सी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे। और फिर अगेन इसमें थर्ड तरह के लोग वो हैं बस टेक एंथुसियास्ट हैं जिनको टेक्नोलॉजी और इन सारी चीज़ों का शौक है, एंड दे जस्ट वांट टू डू कूल थिंग्स यूजिंग दैट, और उनको वैसे पैसों से या फिर डिग्री से या इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है, बस उनको कंप्यूटर साइंस में एंट्री पॉइंट चाहिए ताकि वो मज़ीद इसको सीख सकें और इसमें इंटरेस्ट पैदा कर सकें। अच्छा, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जो कि यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट जगहों पे एंटर हुए हैं और उनको एक पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है मेरी जो रिकमेंडेशन है पर्सनल, वो है कि आप एज अ स्टूडेंट सी या सी प्लस प्लस की तरफ जाएं। इसकी रीज़न मैं आपको देता हूँ। इसकी रीज़न ये है कि जब यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं और आप पढ़ाई शुरू करते हैं रिगार्डिंग कंप्यूटर साइंस, तो आप बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़े होते हैं जो कि हार्डवेयर लेवल होते हैं, और उन कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए या उन कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअली अंडरस्टैंड करने के लिए आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप कोई ऐसी लैंग्वेज सीखें जो कि हार्डवेयर से ज़्यादा करीब है। सी या सी प्लस प्लस को लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, और ये लैंग्वेजेस एक हार्डवेयर लेवल पे जाकर काम करती हैं, और इसके थ्रू आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट, स्टैटिक टाइपिंग और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि इन लैंग्वेजेस के अंदर आती हैं और बाकी लैंग्वेजेस में ऑटोमेटिकली हैंडल हुई होती हैं, आपको सीखने को मिलती हैं, जिससे आपको बैक एंड और लैंग्वेजेस का हार्डवेयर के साथ जो कनेक्शन और इंटीग्रेशन है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस मेरे नज़दीक ये लैंग्वेज आपको पहले सीखनी चाहिए ताकि आपकी बेसिस अच्छी बिल्ड हो जाए, और फिर उसके बाद जब कोई हाई लेवल लैंग्वेज आप सीखें तो फिर आपको ज़्यादा आसानी हो। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो डिग्रीज़ में होते हैं उनको कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग का भी बहुत शौक होता है, यानी कि प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन में जाके पार्टिसिपेट करना और फिर उसके अंदर जीतना। उस केस के अंदर भी सी एस सी प्लस प्लस एक बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शन है, बिकॉज ये लैंग्वेजेस कंपैरेटिवली बहुत तेज़ होती हैं, बिकॉज इसमें इंटरप्रेटर का इस्तेमाल नहीं होता, स्टैटिक टाइपिंग होती है जिससे फिर अल्टीमेटली कोड जो है तेज़ी से कंपाइल होता है और आपका कोड जो है वो तेज़ी से रन होता है। तो स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटीज़ में हैं उनको कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत हेल्प होती है अगर उनको सी प्लस प्लस पे अच्छी ग्रिप है। अब जबकि स्टूडेंट्स आर आउट ऑफ फायर हुए, अब हम उन लोगों की बात करेंगे और इवन उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिन्होंने भी सी प्लस प्लस सीख ली है और वो फ्रीलांसिंग में जाना चाहते हैं, और वो लोग जो कि फ्रीलांसिंग में बिल्कुल भी नहीं है उनकी बात भी करेंगे, और फिर उन लोगों की बात भी करेंगे जो कंप्यूटर साइंस एंथुसियास्ट हैं। अब इन सारे लोगों को बिला शोभा विदाउट एनी सेकेंड थाट जो लैंग्वेज मैं रिकमेंड करता हूँ दैट इज़ पाइथन।
अब आपको लग रहा होगा यार बंदा इतना जोर दे रहा है पाइथन के ऊपर, ये कोई पर्सनली इस पर बायस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यकीन करिए पाइथन इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज टू लर्न इन टर्म्स ऑफ फ्रीलांसिंग या इन टर्म्स ऑफ योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं। अब इसकी सबसे पहली और मेजर रीज़न ये है कि पाइथन जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका मतलब यह है कि जो पाइथन है वो लिखना इस तरह या जिस तरह आप इंग्लिश टाइप कर रहे होते हैं, इसमें कर्ली ब्रेसेस और सिंटैक्सेस और कॉलन्स और यू नो ऑल दैट सिंटैक्टिकल स्टफ वो बहुत कम होता है, और इट इज़ वेरी नेचुरल। मतलब कि जिस तरह आप इंग्लिश में कोई बात लिख रहे होते हैं आप काफ़ी हद तक पाइथन को उस तरह से लिख और समझ सकते हैं। तो एक बंदा जो कि पहली दफ़ा कोई लैंग्वेज सीखना शुरू करेगा उसके लिए वो चीज़ें करना आसान होना चाहिए ना कि मुश्किल, और पाइथन बीइंग अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज आपको एज अ फर्स्ट लैंग्वेज इस मामले में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अब इसमें दूसरी मेजर रीज़न है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी एक्चुअली मीन कि पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर आप लिटरली कुछ भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने आगे जाके वेब डेवलपमेंट करनी है तो भी पाइथन में कर सकते हैं, अगर आपको आगे जाके एआई डेटा साइंस में काम करना है तो भी आप पाइथन में कर सकते हैं, अगर आपको आगे जाके ब्लॉकचेन में काम करना है वो भी आप पाइथन में कर सकते हैं, अगर आगे जाके आपको गेम्स बनानी है वो भी पाइथन में कर सकते हैं। तो देर आर टन्स ऑफ थिंग्स जो कि पाइथन में कर सकते हैं, और एक दो आप पाइथन का बेसिक सिंटैक्स और उसमें किस तरह काम करते हैं वो आपने सीख लिया तो उसके बाद आपको सिर्फ उसकी वो स्पेसिफिक लाइब्रेरी सीखनी है, और लाइब्रेरी सीखने के बाद यू कैन डू दैट स्पेसिफिक थिंग। तो एज अ पर्सन हु इज़ आइदर एंटरिंग इनटू फ्रीलांसिंग या फिर लर्निंग अ न्यू फर्स्ट लैंग्वेज, पाइथन एक तो सीखने में बहुत आसान है और फिर जब आपने सीख ली तो कोई भी चीज़ करना उसमें बहुत आसान है, क्योंकि जाहिर है जब लैंग्वेज ही ईजी है तो लाइब्रेरी उसी लैंग्वेज में लिखी हुई है और वो भी आपके लिए आसान होगी। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है पाइथन का पहली लैंग्वेज होने का। इसकी तीसरी मेजर रीज़न ये है कि पाइथन के अंदर बहुत ही ज़्यादा लर्निंग रिसोर्सेज इंटरनेट पर, यूट्यूब पर और डिफरेंट और यूडेमी कोर्सेरा और लर्निंग प्लेटफॉर्म्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, और इसको सीखना बहुत ही आसान है। तो इंशाल्लाह ताला अनकरीब मेरा खुद का भी एक पाइथन का कोर्स यूट्यूब पर लॉन्च होगा जिसको आप जहाँ से आप पाइथन सीख सकते हैं। बट अगेन पाइथन का एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है कि पाइथन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ्री अवेलेबल रिसोर्सेज सीखने को मिलते हैं जिनको आप इस्तेमाल करके इसको बहुत ही जल्दी से सीख सकते हैं। और एक और बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इसकी कम्युनिटी और इसकी सपोर्ट बहुत बड़ी है। तो क्योंकि दुनिया में इस टाइम पे आई वुड से करोड़ों लोग पाइथन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी कम्युनिटी बड़े होने से आप जब भी किसी मसले में फंसेंगे लोग आपकी हेल्प करने के लिए आएंगे और आपका हर मसला रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है एज़ अ बिगिनर आपके सारे मसले हल होना इन टर्म्स ऑफ यू नो लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज एंड स्टार्टिंग टू डू न्यू एंड कूल थिंग्स। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूंगा। अगर तो अगेन मैं रिव्यू करता हूं कि अगर तो आप एक स्टूडेंट हैं तो आप एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमेशा सी या सी प्लस प्लस को चूज़ करें, बिकॉज दैट इज़ गोना हेल्प यू लॉट इन अंडरस्टैंडिंग मैनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जो कि कंप्यूटर साइंस में इस्तेमाल होते हैं, और आपको कंप्यूटर साइंस की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप उसके अलावा कोई भी फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं एज अ फ्रीलांसर या फिर एज अ पर्सन जो कि एक किसी और डिग्री या किसी और फील्ड से कंप्यूटर साइंस की तरफ आ रहे हैं या फिर वो फ्रीलांसिंग पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं, तो उनको और इवन सीएस के उन बच्चों को जिनको फ्रीलांसिंग में जाना है, दे शुड लर्न पाइथन एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसकी सारी रीजन्स मैंने आपको बताई। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। एक लास्ट चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मेरा पेट्रियन भी लॉन्च हो चुका है, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है डिटेल्स वगैरह। तो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट, इफ़ यू फाइंड वैल्यू इन द कंटेंट दैट आई मेक, तो लाजमी जाकर मुझे सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।